उधर गुजरात चुनाव में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के हर कदम पर लोगों की निगाहें हैं। राजकोट में उन्होंने खोडल धाम के चेयरमैन नरेश पटेल से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात को सियासत से परे बताया। तो नरेश, देखो हमारे कुलदेवी के जो संस्था है उनके वो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, हमारे समाज के वो वडील है, मतलब हमारे वो सलाहकार भी हो सकते हैं, हमें आशीर्वाद देने वाले भी हो सकते हैं। और कल राजकोट हमारा जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की सफलता के बाद उनके साथ शुभेच्छा मुलाकात और उनके आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। ऐसा कोई भी इश्यू वाली मुलाकात नहीं, सुबह का प्लान हुआ था 8 बजे का, लेकिन उसके बाद कुछ मामला हमें बाहर जाने का, लेकिन बाद में हमने बात की नरेश भाई से कि हमसे मिलना है, तो हम नरेश भाई को मिलने सामने से आए हैं। अच्छी मुलाकात होगी और समाज के हितों के लिए जो भी फैसला करेंगे ये सब साथ मिलकर करेंगे, ऐसा वादा किया।